So hey guys, welcome back. This is me Rehan and you are watching 30 Tips in 30 Days. And today is tip number 9. And we are going to talk about an script that is called Contour Generator. एक मिनट, काफी ज्यादा इंग्लिश हो गई है. आज की जो स्क्रिप्ट है वो है कॉन्ट्रोल जनरेटर इन 3D स्टूडियोस मैक्स, जिसकी विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट आप किसी भी ऑब्जेक्ट में सेक्शन क्रिएट कर सकते हो बाय एस्प्लाइंस. यानी कि जो भी सेक्शन आप बनाओगे वो एस्प्लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एस्प्लाइंस में अगर कन्वर्ट हो गए सो इट मीन्स कि आप उसको स्वीप के जरिए कोई भी शेप दे सकते हो. ठीक है, सो लेट्स जंप टू द पीसी स्क्रीन और इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको कि आप इस स्क्रिप्ट के विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट आप किसी भी मैश में से कोई भी सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर कन्वर्ट कर सकते हो एस मैश में. ओके, सो लेट्स जंप टू द पीसी स्क्रीन और लेट्स प्ले विद दिस स्क्रिप्ट. ओके, सो हियर वी गो. ओके गाइस, सो आई एम इन 3D स्टूडियो मैक्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो स्क्रिप्ट स्पॉट में आप जाओ और वहाँ पे आप कॉन्ट्रोल जनरेटर आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, और 3D स्टूडियो मैक्स के स्क्रिप्ट फोल्डर में आप इसको जाके पेस्ट कर दो. ठीक है, देन मैंने यहाँ पे कुछ शेप जो है वो जनरेट किए हैं. इट्स अ बेसिक शेप, एक प्लेन है जिसमें मैंने एडिट पॉली से कुछ कर्व्स जो हैं वो वर्टाइसिस में क्रिएट किए हैं. सेम एज दिस इज़ अ स्फीयर, और एडिट पॉली के विद द हेल्प ऑफ दिस एडिट पॉली मैंने ये इसको सॉफ्ट सिलेक्शन से पंच किया. ओके, सो लेट्स जंप इनटू स्क्रिप्टिंग. रन स्क्रिप्ट और आई हैव कॉन्टोर्स. जब आप पेस्ट कर लोगे अपने स्क्रिप्ट के फोल्डर में सो यू कैन इजीली एक्सेस टू दिस स्क्रिप्ट. लेट्स पिक वन ऑब्जेक्ट लाइक आई पिक प्लेन से. सो यहाँ पे प्लेन ऐड हो गया है. यू कैन सी एक्सिस, एक्सिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मीन्स एक्स वाई एंड जी, और अमाउंट कितने एस्प्लाइंस में ब्रेक करना है इसको. सो यू कैन ऐड वट एवर यू द क्वान्टिटी यू वॉन्ट. स्पेसिंग बिटवीन स्पेसिस, वेल्ट वर्टाइसिस आपको जो वर्टाइसिस क्रिएट हो वो वेल्ट चाहिए. ओके, देन क्लोज एस्प्लाइंस दिस ऑल जस्ट लीव इट एज इट इज. देन नॉन रेंडरेबल और रेंडरेबल, चेक रेंडरेबल. थिकनेस, अगर एस्प्लाइन आपको बनानी है तो उसकी थिकनेस आपने क्या रखनी है. ओके, सो यू कैन एड द वैल्यू हेयर. ओके, सो लेट्स क्रिएट जनरेट. सो जनरेट काउंटर्स, हिट ये देखो आप, यू कैन सी के इनेबलर को मैं बंद करता हूँ. सो ये आपके एस्प्लाइंस में कन्वर्ट होगी मैश. ओके, सो जो शेप आपने यहाँ बनाया था उसी शेप को फॉलो करते हुए आपके पास ये एस्प्लाइंस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है. नाउ यू कैन ऐड स्वीप, आप स्वीप ऐड कर सकते हो बार और वैल्यू डाउन करके आप शेप जो है वो कोई भी जनरेट कर सकते हो. See, I guess ये baby shape और benches में, chairs में काफी ज्यादा use हो रहा है आजकल ये script. Okay, so let's try this. Let's remove this and add this sphere and generate a y-axis. Check this. Okay, I'm gonna add some amounts like 40, and then again done isolation. Okay, now you can actually play with this as lines. Like I'm gonna play with the soft selection in S lines. Like this, I'm actually pushing it back. Now
सी. ओके, दिस काइंड ऑफ बेंच, अगर आपको कोई बेंच बनानी है और अपने मैश में से आप वो एस्प्लाइंस निकाल सकते हो और उन्हीं एस्प्लाइंस में से आप जो है कोई भी शेप, रेडियल शेप या बार शेप आपको जनरेट कर सकते हो. तो इट्स एक्चुअली वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग मॉडर्न काइंड ऑफ फर्नीचर. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है स्क्रिप्ट, और उसको ज़रा ट्राई करो और आई एम श्योर कि आपको हेल्पफुल लगेगी ये टिप. और ये स्क्रिप्ट काफ़ी हेल्पफुल है, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इस पर आप वर्किंग करो. जितना आप इसका यूज हो जाओगे उतनी अच्छी आप करते हो, इस पर आप ग्रिप मिलेगी इसको बेसिकली. सो दैट्स इट, आई होप यू एंजॉयड दिस स्क्रिप्ट. और अगर ये टिप अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, मिलता हूँ आपसे नई टिप में. टेक केयर.